जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित तमाम सैन्य स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये एक बड़ी अपडेट है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी सैन्य स्थान है, सैन्य शिविर है, वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को एक आतंकी हमले का इनपुट मिला है और इस रेड अलर्ट के चलते जितने भी आर्मी स्कूल्स इन सैन्य स्थानों में थे उन्हें आज बंद रखा गया है, यानी कि छुट्टी घोषित की गई है। एक इनपुट जनरेट हुआ है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज को मिला, जिसके मुताबिक जम्मू पठानकोट हाईवे से लगते हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सांबा है, कठुआ है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, जितने भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहे हैं या हमला हो सकता है, और इसी संभावना के बीच रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है शहर के, वहां पर नाके बढ़ा दिए गए और इसके साथ साथ सुरक्षा को भी कई गुना बढ़ा दिया गया, और एहतियातन जितने भी आर्मी स्कूल थे इन स्थानों के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया, यानी कि बच्चों को वहां पर नहीं इकट्ठा किया गया, उन्हें छुट्टी घोषित कर दी गई ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो पाए, ना घटे, और वक्त रहते जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, उन्हें पुट इन प्लेस किया गया, उन्हें बढ़ाया गया, ताकि किसी भी प्रकार से यदि आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है तो उनके मंसूबों को विफल किया जा सके, उन पर पानी फेरा जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आतंकी हमला हो सकता है इन सैन्य ठिकानों पर जो कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में काफी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, और ऐसे में क्योंकि पुंछ के बाटादुरिया में अभी हाल ही में हमला हुआ है और उसके अलावा बहुत से इनपुट्स जो है वो जनरेट भी हुए हैं, तो तमाम इनपुट्स को देखते हुए किसी भी प्रकार का जो चांस है वो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं लेना चाहती हैं, और ऐसे में जितने भी स्कूल्स हैं जो कि इन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, यानी कि जो भी आर्मी स्कूल्स हैं, उन्हें तुरंत बंद कर दिया गया, छुट्टी घोषित कर दी गई, बच्चों को घर से ही नहीं बुलाया गया, और फिलहाल इस पूरे मामले में जो हमें सोर्सेस ने बताया है कि जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है, जो इनपुट जनरेट हुआ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिला आतंकी हमले का कि आतंकी हमला करने की फिराक में है या वो कुछ इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको लेकर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बात करें, जम्मू, कठुआ, सांबा, पठानकोट, इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि सैन्य ठिकाने हैं, और इन्हीं को लेकर ये रेड अलर्ट जारी हुआ था, और कहीं ना कहीं एहतियातन ये कदम उठाना भी जरूरी था कि सुरक्षा के लिहाज से जितने भी स्कूल्स इन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है उन्हें बंद किया जाए, तो वही किया गया, छुट्टी घोषित की गई, और आतंकी हमले के इनपुट के बीच फिलहाल जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, विशेषकर अगर मैं बात करूं जो शहर के एंट्री पॉइंट्स है वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। कुंजवानी चौक की बात करें, कुंजवानी से आगे की बात करें, उससे पीछे बड़ी ब्राह्मणा की बात करें, और भी जो एरियाज है जो कि शहर से जुड़ते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट होते हैं, तो सभी जगह पर जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जो पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है, वो बढ़ाई गई है, और वजह यही है कि जो भी इनपुट मिला है उसे हल्के में नहीं लेना है और तमाम चीजों पर पूरी जो नजर है वो बनाए रखनी है। दरअसल G20 की बैठक होने वाली है और ऐसे में आतंकी संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो ये G20 की बैठक यहाँ होने वाली है उससे पहले यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस फैलाई जाए ताकि बैठक जो है वो डिस्टर्ब हो। हालांकि बैठक को लेकर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के इस G20 बैठक के लिए किए गए हैं और बैठक में किसी भी प्रकार से खलल जो है वो दुश्मन या आतंकी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अलर्ट जनरेट होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सुरक्षा एजेंसियों को यदि कोई अलर्ट मिलता है तो उसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और इसीलिए जिस वक्त ये जानकारी मिली कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर आतंकी हमला करने की फिराक में है, उनकी कोशिश है कि वहां पर स्ट्राइक की जाए,
शायद कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि रेड अलर्ट जो है वो साउंड किया जाएगा। और रेड अलर्ट घोषित होने के बाद तमाम जो स्कूल्स इन शिविर्स के अंदर है, यानी कि जो इन कैंप्स के अंदर है, उन आम स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई। बच्चों को जो है वो स्कूल में नहीं बुलाया गया। जाहिर सी बात है, अगर क्राउड एक्युमुलेशन होगा, बच्चे स्कूल्स में होंगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात, अगर कुछ ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, अगर कोई इस प्रकार की घटना होती भी है, तो उस पर नियंत्रण पाना काफी मुश्किल हो जाता यदि स्कूल्स लगे होते। लेकिन एहतियातन स्कूल्स को बंद रखा गया और अलर्ट पर जो है वो काफी ज्यादा गंभीरता के साथ जो है वो फोकस किया गया है। और शहर के बीच भी अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम है, क्योंकि G20 की बैठक होने वाली है और G20 की बैठक से पहले जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। आतंकवादियों की मूवमेंट्स हो या फिर कुछ एक हमले जो उन्होंने अंजाम दिए वो हो, तो उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि तमाम जो इनपुट्स जनरेट हो रहे हैं उन्हें इसी प्रकार सीरियसली लिया जाए, ताकि आतंकी अपने किसी भी नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो। तो ये आज का ये बड़ा इनपुट है, आज की ये बड़ी खबर है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए तमाम जो आर्मी कैंप्स हैं उनको लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है और इसी के चलते आज जितने भी इन कैंप्स में आर्मी स्कूल थे उनमें छुट्टी घोषित की गई। नमस्कार।